मैं पूरा इंडिया कंप्लीट करूंगा गाइस, देखना। देखिए गाइस, डेजर्ट पे क्या हो रहा है रात को, डीजे शो। गाइस रोड देखिए, डेजर्ट के बीच रात को ड्राइव कर रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। ये लास्ट नाइट मैं यहाँ पे था, ये मेरा रूम है और भाई बहुत ठंड है यहाँ पे। फाइनली आज थोड़ी सी ठंड लग रही है यहाँ पे। एनीवे, तो आज मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, संचोर बोल के एक जगह है, क्योंकि आज मैं अहमदाबाद शायद पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे एडिट करना पड़ रहा है। एडिटिंग का काम अभी भी बहुत पेंडिंग है, तो एडिट करके यहाँ से निकलते निकलते थोड़े बहुत लेट हो जाएंगे। गाइस पता नहीं क्यों जब भी एडिट करने बैठता हूँ ना, नींद आ जाती है। देखिए एडिट कितना टायरिंग काम है। ये है मेरा आज का मॉर्निंग व्यू और ये देखिए, अभी गाड़ी धुलाएंगे क्योंकि बहुत गंदी हो गई है गाड़ी, नहीं धुलाया तो बैठ नहीं पाएंगे, एकदम गंदा सा दिख रहा है। और ये था मेरा लास्ट नाइट का होटल, बहुत अच्छा है ये होटल, अच्छा लगा मुझे। एक काम चलाओ वाला धोना हो रहा है। गाइज जैसलमेर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे पूरा असिस्ट किया, घुमा घुमा के दिखाया वो, तो थैंक्स टू महेश। महेश यू हैव हेल्प मी अ लॉट। अच्छा लग रहा है मुझे, मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए नए जगह पे जा रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लवली। आज का ट्रिप मैंने उतना बड़ा नहीं रखा, बस 300 किलोमीटर का ही रखा, तो आई होप 5 घंटे में पहुँच जाएंगे, 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो देखते आगे आगे क्या होता है, आप लोग भी देखते जाओ। और व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे पुश करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, व्लॉग देखते रहिए, और आप लोगों का अगर कुछ सजेशंस है या फिर क्वेरीज है तो कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू गाइज। तो हम लोग हाईवे ले लिए सिटी से निकल के, यहाँ से बाड़मेर दिखा रहा है 146 किलोमीटर, और बाड़मेर से आगे है संचोर, तो टोटल हम लोगों को जाना है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर, एग्जैक्टली 284 किलोमीटर जाना है। तो फिलअप करवा लेते हैं क्योंकि कल सैंडून्स पे गया था इसीलिए उसके बाद फ्यूल अप नहीं करवाया। राजस्थान में तो बहुत महंगा है भाई, 111 रुपये। गाइस 30 लीटर के 30.63 लीटर आ गई 3400 का। मैं जहाँ भी जाऊँ कोशिश करता हूँ कि पेट्रोल का टैंकी फुल रहे, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ फंस जाऊँगा या फिर कब कहाँ निकल लूँगा, इसीलिए टैंक ही हमेशा फुल करवा लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। उस दिन सब विंड मिल्स चल रहा था, अभी आज तो देख रहा हूँ कि सब विंड मिल्स बंद पड़ा है, पता नहीं क्यों, सारे के सारे विंड मिल्स बंद है, क्यों बंद है पता नहीं पर है बंद है।
अभी तक हिमाचल के बाद मुझे बेस्ट लैंडस्केप लगा राजस्थान का ही। रास्ते पे चलते चलते कभी ऊंट कभी गाय ये सब आ ही आ रहा है। फिर से आ गए ये लोग। भाई नीचे मत आना भाई। गाइस आप लोगों को पोखरण याद है, यहां से जाना होता है इस साइड से। अगर पोखरण याद नहीं हो तो मैं बता दूं, पोखरण में एटम बॉम्ब टेस्ट किया गया था। वही पोखरण इस साइड में है गाइस। पोखरण क्रॉस करते ही आर्मी कॉन्वॉय मिल गया। बहुत बड़ा आर्मी कॉन्वॉय है ये। क्या नजारे हैं, ओहो। लास्ट 1 घंटा 16 मिनट में ऑलमोस्ट 89.1 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी भी 200 किलोमीटर बाकी है, 3 घंटा लगेगा। नजारे देखते देखते जा रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं पूरा इंडिया कंप्लीट करूंगा गाइस, देखना इसी ट्रिप पे पूरा इंडिया। यहाँ पे झाड़ी इतनी नजदीक है ना, गाड़ी में स्क्रैच हो जा रहा है क्योंकि मैं बीच में नहीं जा सकता। डायना से गाड़ी आ रहा है, ऊपर से ओवरटेक भी कर रहे हैं लोग। बहुत घना झाड़ी है, देखिए इस साइड पे भी आ जाएगा भी। ये देखिए ये देखा, ये देखिए लग रहा है यहाँ पे नजदीकी में बॉर्डर है, बीएसएफ का कैंप है यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान बॉर्डर। बीच में झाड़ी आ रहा था तो रोड्स नैरो हो गया था, अभी रोड्स काफी चौड़ा हो गया है। अच्छा ये मुझे लग रहा है कि कोई मिलिट्री बेस एरिया होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स दिख रहे हैं, इस साइड दोनों साइड में। पता नहीं, जिन लोगों को पता है कमेंट करके बताइए प्लीज। मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग बाड़मेर आ गए, बहुत बड़ा सिटी दिख रहा है। साइड पहाड़ वहाड़ भी है, ये शहर काफी बड़ा दिख रहा है, बहुत देर से चल रहा है। ट्रैफिक भी है थोड़ी बहुत यहाँ पे। मुनाबाव 125, अहमदाबाद 378। हम लोग अहमदाबाद की तरफ ही टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का गाड़ी यहाँ पे कैसे आ गया। WB नंबर प्लेट है ना,
मुझे लग रहा है बारमेर से अहमदाबाद तक 4 लेन है ये। ये देखिए सामने एक बड़ा नजारा आने वाला है। क्या स्ट्रांग धूप है। ये जनवरी महीना है, सोचिए इस टाइम पे इतनी धूप, गर्मी में क्या होती होगी यहाँ पे लोगों का। अभी ऑलरेडी हो जा रहा है 27। और ड्यून्स है सब उस तरफ, वो देखिए। राजस्थान बहुत बड़ा है गाइस, बहुत ही बड़ा है, खत्म ही नहीं होता। वो देखिए पहाड़ के ऊपर क्या है, फोर्ट है शायद, नहीं शिव मंदिर है वहां पे। वही झाड़ी वाली रोड फिर से दोनों तरफ, गजब है भाई। सीधा निकल जा रहा है संचोर, और साता बोल के इधर कोई एक तो जगह है वहां जा रहा है ये। संचोर रह गया है बस 32 किलोमीटर। संचोर ऑलमोस्ट पहुंच गए और 20 किलोमीटर है गाइस। संचोर पहुंच गया, अभी मैं होटल ढूंढ रहा हूं यहाँ पे, देखते हैं अगर कोई ठीक ठाक होटल मिलता है तो, नहीं मिला तो अहमदाबाद निकल जाएंगे। या फिर उदयपुर भी निकल सकते हैं यहाँ से। भाई क्या भसड़ है, यहाँ पे कोई अच्छी होटल मिल ही नहीं रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, कल आके एक्चुअली होटल नहीं मिल रहा था यहाँ पे, मुझे एक्चुअली रुकना था संचोर में, कोई होटल ठीक ठाक होटल नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझे संचोर से आगे निकलना पड़ा। मैं संचोर से आगे निकल के फिर आ गया थराड बोल के एक जगह है, वो गुजरात साथ होती स्टार्ट होती है वहाँ से थराड आ गया। थराड में आके यही हाईवे के साइड में एक होटल मिल गया मुझे ठीक ठाक, तो यही सब करते करते ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, तो इसीलिए और थक भी गया था, इतना दूर ड्राइव किया मैंने, तो इसके लिए मैंने और व्लॉग नहीं बनाया। तो ये मेरी रूम है, इतना कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है। कल रात मैंने यहाँ बिताया और आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जाने वाला हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अहमदाबाद जा रहा था, या जैसलमेर से निकल के मैं अहमदाबाद जा रहा था, तो लेकिन प्लान में अभी ट्विस्ट है। अभी मैं अहमदाबाद नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ की स्टोरी देखनी है तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, चलिए बाय।